everyone, welcome to our online classes. Today we are going to start our new topic which is articles. हमारे जो adjective होते हैं a and the, ये हमारे articles होते हैं. Definite article and second is indefinite article. जो हमारा definite article होता है उसके अंदर हमारा आता है the. The हमारा क्या है? Definite articles. And then indefinite articles में हमारा a and an आता है. अब मैं बताऊंगा जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है. डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है? यूनिक और स्पेसिफिक. जिसके बारे में हमें पता होता है वो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल. जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम निश्चित तौर से जानते हैं उसे हम बोलेंगे डेफिनेट आर्टिकल. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गया अनिश्चित, जिसके बारे में हम नहीं जानते या जिसके बारे में जो है हमें फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ हो जनरली, उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स. और आर्टिकल्स को जानने से पहले हमें नाउन का भी पता होना चाहिए. नाउन हमारा होता है कि किसी प्लेस, नेम या किसी पर्सन को हम नाउन कहते हैं. नाउन हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन एंड सेकंड पार्ट ही हो गया हमारा काउंटेबल नाउन. जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल इसका मतलब होता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन. जैसे शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते तो हम किसी से ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि प्लीज हमें एक चीनी दे दो या दो चीनी दे दो. वी विल से 1 kg और 2 kg और 5 kg. केजी में होगा क्वांटिटी में. तो ये शुगर हमारा अनकाउंटेबल हो गया. देन वाटर, हम किसी से एक पानी नहीं मांगेंगे, हम एक ग्लास वाटर मांगेंगे और 1 liter 5 liter, ये हो गया. देन राइस हो गया, उस टाइम राइस को भी हमें जो है काउंट नहीं कर पाएंगे तो हम राइस को भी 1 quintal 2 quintal लाइक दिस. देन उसके बाद हमारा आ गया काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन भी हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सिंगुलर एंड सेकेंड पार्ट हो गया हमारा प्लूरल. जो प्लूरल होता है, जो हमारा सिंगुलर होता है उसमें भी टू पार्ट्स है, जनरल और स्पेसिफिक. सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगल जनरल एंड स्पेसिफिक. तो जनरल में ए और एन का यूज करेंगे एंड स्पेसिफिक में हम द का यूज करेंगे. उसी तरह हमारा हो गया प्लूरल. प्लूरल में भी हमारा टू है, जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल में जो है हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे और लेकिन स्पेसिफिक में हम द के यूज करेंगे. देन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे ए और एन का यूज हमें कहाँ करना है, तो आपको फर्स्ट क्या है कि आपको पता है कि हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में. 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिसमें हो गए हमारे 5 तो हमारे होते हैं वॉवल्स, 5 वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स पहले क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. और कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. अब हम इसी से हमें पता चलेगा कि हम ए और एन का यूज कैसे करेंगे, मीन्स हम जो है अपना इनडेफिनेट आर्टिकल इसमें कैसे लगाएंगे. सो एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको होटल और उधर एग्जाम्पल है ऑन ऑनेस्टी. ठीक है, होटल, होटल में हमारा हा का साउंड आ रहा है. पहले हमें साउंड से भी चेक करना है, तो साउंड क्या आ रहा है? हा. और ऑनेस्टी में हमारा ओ का साउंड आ रहा है. तो ओ जो है, आप ये मत बोलना कि दोनों एच से है तो हम इसमें एन लगा दें या ए लगा दें, तो हमारा गलत हो जाएगा. सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे हमें साउंड देखना पड़ता है कि कौन सा वोवल से हमें कैसे साउंड मिल रही है. सो इधर होटल हा हो गया, इधर ऑनेस्टी ओ हो गया. तो हमारे वोवल्स में देखिए ओ है, तो इसीलिए हमारा जो है ऑनेस्टी के आगे हम एन लगाएंगे और होटल में हा का साउंड दे रहे हैं तो इसमें हा तो है नहीं थी और इधर भी जो है तो हमारा इधर ए का यूज हो जाएगा. करेक्ट. देन सेकंड एग्जांपल इज यूनिवर्सिटी एंड अम्ब्रेला. आप इधर कहेंगे दोनों यू है, तो उससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि हमें वोवल्स में क्या है, साउंड ए और एन का जब हम यूज करेंगे आर्टिकल्स, हमें पहले साउंड देखना है कि उसके साउंड कैसा आ रहा है, उसको जब हम बोल रहे हैं तो क्या मुंह से क्या निकल रहा है. उसी तरह हमें, जैसे हमने इंग्लिश के वर्ड्स देखे, हमें हिंदी का भी इसमें ध्यान रखना होता है. आ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ अं आ. तो इसमें देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को अगर हम लिखेंगे बोलेंगे लिखेंगे अगर सॉरी जैसे हमारा हुआ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को हम या से लिखेंगे यूनिवर्सिटी, उसी तरह अम्ब्रेला को अम्ब्रेला बोलेंगे. अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है, आ का वोवल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा एन अम्ब्रेला. और इधर यू का
यूनिवर्सिटी, यू हमारा कोई साउंड में वोवल्स में नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा आ यूनिवर्सिटी, करेक्ट। ये हो गया हमारा जो ए और एन का कहां यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि ए और एन के यूज के लिए हमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स का खास ध्यान रखना है। जहां पे हमारे वोवल्स आएंगे उसके साउंड हमें जो एन मिलेगी वहां पे हम एन का यूज करेंगे, और जहां पे कॉन्सोनेंट जहां पे कोई साइन नहीं मिलेगा वहां पे हम ए का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा हम दा का यूज कहां करेंगे। दा का हम मेनली यूज करेंगे माउंटेन रेंजेस पे, जैसे दा हिमालयस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हम रिवर, सी, ओशियन या डेजर्ट के लिए यूज करेंगे। रिवर हो गया जैसे हमने लिखा, रिवर हो गया जैसे हम लिख रहे हैं दा गंगा, सी हो गया हमारा द ब्लैक सी, ओशियन हो गया हमारा द पैसिफिक, और डेजर्ट हो गया हमारा द सहारा। उसी तरह न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमें नोन है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल, वो डेफिनेट आर्टिकल्स निश्चित रूप से जिसके बारे में हमें पता होता है, उसकी हमें जानकारी होती है, तो न्यूज़पेपर हम डेली ऐसे पढ़ते हैं। तो जैसे हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, और द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू एक्सेट्रा। फिर हो गया हमारा होली बुक्स, होली बुक्स हो गया हमारी धार्मिक किताबें, तो हम जब भी कोई धार्मिक किताबें होंगे हम उसको उसके नाम से हम जानेंगे, तो जिसके बारे में पता हो वहां पे हम दा का यूज करेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द रामायण, द रामायण हो गया, द होली बाइबल हो गया, एक्सेट्रा। उसी तरह होल क्लास, अगर किसी की हम किसी पूरे एक समूह के बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में, तो वहां पे हम द का लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है द डॉग इज ए लॉयल एनिमल। इधर आप देख रहे हैं हम डॉग के बात कर रहे हैं, डॉग का जो ग्रुप है वो क्या है, डॉग इज ए लॉयल एनिमल्स, डॉग हमारे क्या है, लॉयल एनिमल्स में आते हैं। ओके, अब हम बताएंगे दा का यूज हमें कहां नहीं करना है। ये हो गया कि दा का यूज हमें कहां करना है, ये है कि हमें दा का यूज कहां नहीं करना है। दा का यूज क्या है, हमें कंट्रीज में नहीं करना, दा का यूज हमें कंट्रीज में नहीं करना, लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है एक्सेप्शनल केसेस में, ये है कि कंट्रीज में जैसे हम दा इंडिया नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरल है, ठीक है, उसके बारे में हमें जो है वो जनरल है, वो उसका नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो कंबाइन हो रही है कॉलोनी से, हम उसको बोलेंगे, वहां पे हम दा का यूज करेंगे। ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर कंबाइन हो रही है, जैसे हमारा यूएसए हो गया, वो 30 कॉलोनी से कंबाइन हो रही है, तो वहां पे हम दा यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका काफी कॉलोनी से कंबाइन हो रही है, इसलिए हम वहां पे दा का यूज करेंगे। उसी तरह हमारा फिलीपींस हो गया, वो स्मॉल आइलैंड से कंबाइन हो रहा है, तो वहां पे हम दा लगाएंगे। फिर ऐसे हमारा जैसे हम बोलते हैं द वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो क्या है, बहुत सारे द्वीप से हो रहे हैं, इसलिए वहां पे हम दा का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो अपना टॉपिक पढ़ा वो था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो है, हमारे टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम दा का यूज करते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है। ए और एन का कहाँ यूज करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले नाउन के बारे में पता होना चाहिए। नाउन में हमारा जो है टू पार्ट में था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमेशा जो है ए और एन का यूज नहीं करेंगे, दा का यूज करेंगे। काउंटेबल में हम जो है सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, जिसमें हमारा जनरल आएगा उसमें ए और एन का यूज होगा, जो हमारा जो है स्पेसिफिक होगा उसमें दा का यूज होगा, और प्लूरल में हमारे जनरल में यूज नहीं होगा ए और एन, लेकिन स्पेसिफिक में हमारा दा का यूज होगा। और ए और एन को देखने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स पता होने चाहिए। वोवल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमें वो देख के साउंड से हमें पता चलेगा ए और एन का यूज कहाँ करना है। फिर हमारा आता है द, द का हमें यूज कहाँ करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, माउंटेन रेंजेस में, रिवर में, ओशियन में, सी में,
एक्सेट्रा, वहां पे हम दा का यूज करेंगे। फिर हमारा होली बुक्स में हम दा का यूज करेंगे, हम अपने न्यूज़पेपर हो गया और हमारा होल सेल्स उसमें करेंगे। हम जो है यूज कहाँ नहीं करेंगे दा का, कंट्रीज में, लैंग्वेज में। दूसरा में ध्यान रखा लैंग्वेज, हम कभी लैंग्वेज में हम दा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें जो है नॉन डू रहते हैं, कई जगह नहीं रहते। फिर हमारा स्ट्रीट, हम कभी किसी को एड्रेस देंगे तो हम एड्रेस में कभी दा का यूज नहीं करेंगे। थैंक यू, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर, प्लीज आप शेयर करें। थैंक यू।